तो बगल के रोड से वो ट्रक जा रहा था, क्योंकि उनका वहाँ पीछे सामान रखा हुआ है, तो इतना बड़ा ट्रक है और यहाँ से ऊपर से तारे जा रही हैं, तो उसको देखना चाहिए, उसे डंडा रखना चाहिए कि वो तारों को ऊपर करके वो आस्ते से अंदर लेके जाए। तो इस स्पीड से आया और उसने क्या किया, मेरी तार तोड़ दी। जब मैंने उसको कहा कि तूने तार तोड़ दी है, तो मेरे साथ लड़ाई करने लगा और वो रुक भी नहीं रहा है, वो आगे पीछे करते जा रहा, तार टूटेगी और दो तीन जगह से टूट गई। तो हमने कहा कि अब तार ठीक करो, तो फिर उन्होंने तार ठीक करवाई, तो अपना ही यही ट्रक रखा, क्योंकि सीढ़ी नहीं मिल रही थी तो ट्रक के ऊपर वो बिजली वाला चढ़ा, तो हमारी तार ठीक करा। और तार ठीक ही नहीं हो रही है, वो बार बार लगा के देख रहा, लाइट नहीं आ रही है और शॉप पे पूरा अंधेरा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आ सकती कभी भी, और लाइट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइट के ना हमारी शॉप नहीं चलेगी, हमारे लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। और ये बेचारे लगा रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही है शॉप में, तो ट्रक ने इतनी जोर से टाना है कि हो सकता है तार टूट गई हो, तो चेक कर रहे हैं तार को कि कहीं जॉइंट ना टूट गया हो। और ट्रक के ऊपर खड़े होके वो निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं सॉरी, तो जॉइंट चेक हो रहा है। यहाँ पे कहीं जोड़ तो नहीं खुल गया, तो बहुत बुरा हाल हो गया, आज लाइट नहीं है और बारिश का पूरा मौसम बना हुआ है, और जल्दी से लाइट ठीक हो जाए। और वो लड़का चढ़ा हुआ देख रहा है, इस तार ने सबको परेशान कर दिया, अभी तक लाइट नहीं आई। मुझे तो लग रहा कि तार टूट गई है, क्रैक कर चुकी, बीच में टूट चुकी है, तो इसीलिए। गुड मॉर्निंग, तो आज आपने थंबनेल देख ही लिया है और वीडियो भी देख ली है, कि आपने वीडियो में देखा कि आज क्या हुआ। तो जैसे ही मैं शॉप में आई और पापा तो चाबी भूल चुके थे, तो पापा घर चाबी लेने चले गए, और इतनी देर में बगल वाले जो रोड है उसमें ट्रक आ रहा था, तो ट्रक ने क्या किया ना, हमारी तार को तोड़ दिया। तार तोड़ी तो उसने, जब मैंने उसे कहा कि ये क्या किया तुमने, तार तोड़ दी, तो मुझे कहने लगा कि आपकी गलती है, आप लोगों ने तार सही से नहीं लगवाई। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ उल्टा क्यों बोल रहे हो, तार तोड़ी कसूर तुम्हारा है, तो तुमने ऐसा काम किया और तुम मेरे से टाइट होके बोलोगे, मतलब अब तो तुम जाओ फिर ट्रक लेकर, कैसे जा सकते हो, जब तक मेरी तार ना बनेगी मैं तुझे जाने ना दूंगी। तो उतनी देर में मेरे बगल के शॉप वाले वो भी चले आए, तो उन्होंने कहा हाँ सही बात है, गलती तुम्हारी है, तुम्ही को ठीक करना होगा। तो फिर उन लोग ने कहा कि ठीक है फिर हम बनवा देंगे। तो फिर उन्होंने बिजली वालों को बुलाया, बिजली वाले लगे, तो तार बीच ओर से उन्होंने टान दी ना, कि उसकी वजह से बीच में क्रैक आ गया, तो क्रैक आने की वजह से तार तो टूट चुकी थी, तो फिर उन्होंने दो जगह पे जोड़ लगाया, फिर फाइनली आधा एक घंटे के बाद हमारे यहाँ लाइट आई, क्योंकि लाइट हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉप में कस्टमर आते हैं तो बिना लाइट के हम कपड़े नहीं दिखा सकते। तो फाइनली हमारी लाइट अब बन चुकी है। तो आज का मॉर्निंग का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि आज मॉर्निंग आते ही शॉप पे क्या हो गया। तो यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।